लर्निंग टेक्निकल्स 111 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉल कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। जी, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग या फिर कॉल को कॉन्फ्रेंस पे लेना एक ही बात है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाऊंगा और साथ में बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो आप वीडियो को बिना किसी स्किपिंग के पूरा देखना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कॉल कॉन्फ्रेंसिंग होती क्या है। देखिए यार, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि आप अपने, सपोज़ करो आपका एक दोस्त है जिसका नाम है सौरभ, और आप अपने उस दोस्त को अगर आप कॉल करते हो अपने फ़ोन से, तो कॉल करने के बाद वो फ़ोन अगर आपका उठा लेता है तो फिर आप दोनों लोग बातें करने लगते हो, राइट। फिर आप दोनों लोग बात कर रहे हो, उसके बीच में अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन से, या आपका दोस्त जो सौरभ है वो चाहे तो अपने फ़ोन से किसी तीसरे आदमी को भी कॉल कर सकता है, और कॉल करके तीनों लोग एक साथ जुड़ सकते हो, समझ रहे हो। इसी तरीके से मान लीजिए आप चाहें तो कर सकते हैं अपने दोस्त को, तो आप चार लोग भी आपस में जुड़ सकते हो, चारों लोग एक दूसरे की बात को सुनोगे और आपस में बात कर पाओगे। इसी को बोलते हैं कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, इसी को कॉन्फ्रेंस पे लेना बोलते हैं। और ये दो तरीके से हो सकती है, चाहे तो आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि अगर आप किसी अपने दोस्त को कॉल करोगे तो जो भी आप ऑडियो आप बातें कर रहे हो वो उसको सुनाई देगा, और आपके जितने दोस्त उस सर्कल में जुड़े हुए हैं कॉन्फ्रेंसिंग पे हैं उन सबको सुनाई देगा और सब आपस में बात कर पाओगे। इसी की जगह आप वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, उस केस में आपकी फ़ोटो और जितने आप सब लोग जुड़े हो सब आपस में एक दूसरे को देख पाओगे, और देखने के साथ साथ एक दूसरे की बातें सुन और सुना पाओगे। ये होता है ऑडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग। आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना चाहूँगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना डायलर ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपने उस दोस्त का नंबर डायल करना है जिसको आप सबसे पहले कॉल करना चाहते हैं। चलिए मैं अपने एक दोस्त का नंबर डायल करता हूँ जिसको मुझे कॉल करना है अभी। डायल कर दिया और यहाँ दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे ही वो कॉल मेरे रिसीव करेगा, यहाँ पे आपको ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, ये हाइलाइटेड हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे दोस्त ने मेरा फोन उठा लिया है, और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्लस का आइकन है हाइलाइटेड हो गया, और इसका मतलब है कि यहाँ जब आप टैप करेंगे ना इस जगह पे, तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे को ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, दूसरा दीपक नाम है जिसका, उसको मुझे ऐड करना है इसमें। मैं प्लस आइकन पे टैप करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ से चूज करूँगा फ़ोन पे, और ये डायलर फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ से चाहे तो अपने किसी दोस्त का, जैसे मुझे दीपक का मिलाना है, तो दीपक का नंबर यहाँ डायल करके उसको फिर से आप चाहें तो कर सकते हैं। या फिर अगर आप कॉन्टैक्ट से ढूंढना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट में आपके पास जितने दोस्त हैं उन सब के नंबर से यहाँ से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली कॉल नहीं करना चाहता हूँ, मुझे दीपक का फ़ोन मिलाना है यहाँ से, तो उसका नंबर यहाँ डालेंगे एंड नंबर जैसे डालेंगे आपके सामने फिर आपको कॉल कर देना है यहाँ पे। जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बेल जाना शुरू हो जाएगी, और दीपक जैसे ही उठा लेगा उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पे मर्ज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये दोस्तों, ये आपके, सपोज करिए आप ये काम कर रहे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं इसी काम को आपका कोई दूसरा दोस्त भी कर सकता है जिसको आप पहले कॉल कर रहे थे, जैसे कि सौरभ था। लेकिन मैं दीपक को, सौरभ को तो मैंने पहले मिलाया था, अब मैं दीपक को अपने फ़ोन से उसमें कॉल को कॉन्फ्रेंसिंग पे लेना चाहता हूँ, ताकि हम, मैं, सौरभ और दीपक तीनों लोग बात कर पाएँ। यहाँ पे मर्ज के ऊपर आप टैप कर देंगे सिंगल, तो फिर इससे क्या होगा कि दीपक, सौरभ भी हमसे जुड़ जाएगा। सौरभ तो ऑलरेडी जुड़ा था क्योंकि सबसे पहले हमने उसी को कनेक्ट किया था, फिर दीपक भी जुड़ जाएगा, हम तीनों आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो इसके ऊपर टैप करें, सकते लिखा हुआ आ रहा है मर्जिंग कॉन्फ्रेंस कॉल, और यहाँ देख सकते हैं जितने लोग अगर आप जुड़े रहेंगे यहाँ पे उतने लोग दिखाई देंगे। यहाँ लिखा है कॉन्फ्रेंस कॉल विद टू पीपल, आप यहाँ टैप कर सकते हैं यहाँ पे, वहाँ से पता चल जाएगा कि कितने लोग आप एक दूसरे से जुड़े हैं। ये देख सकते हैं हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है।
तो आप चाहें तो 10 लोग 15 लोग जितने लोगों को जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं यहाँ पे, इट नॉट मैटर्स। और यहाँ से चाहें तो जिसको आप चाहें वहाँ से हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे दीपक को हटाना है, तो यहाँ से मैं ड्रॉप पे क्लिक कर दूंगा, दीपक यहाँ से बाहर हो जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर आप इस पे टैप करेंगे तो आप दोनों लोगों से बाहर हो जाएंगे, मतलब पूरी कॉल कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे साइड में जो ड्रॉप का ऑप्शन है उसके ऊपर, पर्टिकुलरली उस बंदे के सामने जो ड्रॉप लेगा उसके ऊपर टैप करें, वो यहाँ से कॉन्फ्रेंस से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। ये ऑडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग है, इसी तरीके से वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग सेम प्रोसेस पे वर्क करती है। तो इस तरीके से करते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, और कैसे करना है आपको अगर आ गया समझ में तो कोई अच्छी बात है। और कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस का इंतज़ार करूँगा। और ये आपको कंटेंट अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जिनको ये नहीं आता है। प्लीज़ ये आप अपना तो भला करेंगे, साथ साथ में दूसरों का भी भला होगा, तो कितनी अच्छी बात है। एंड बस मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।